नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड सबको। तो दोस्तों, सभी वाहन चालकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सभी वाहन चालकों के लिए खुशखबरी आई है। चाहे आप ऑटो चलाते हैं या ओला उबर की गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं या फिर आप फटफट सेवा चलाते हैं, यानी कि किसी प्रकार का भी आप दिल्ली के अंदर कमर्शियल वाहन चलाते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों, जितने भी कमर्शियल वाहन चालक हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे एक चीज से। वो क्या चीज थी वो भी आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगी और उस चीज से आपको छुटकारा बहुत जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों, सरकार देर से जागी लेकिन जागी तो सही। काफी दिनों के बाद आज खुशखबरी आई है। तो इस खुशखबरी को जानने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे यहाँ पे साइड में ये जो सर्कुलर देख रहे हैं, ये सर्कुलर दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से 20 तारीख को जारी किया गया है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। और ये जो सर्कुलर है ये दोस्तों है जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लास के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो फिटनेस के समय 2 घंटे की क्लास लगती है उसके ऊपर दिल्ली परिवहन विभाग ने ये सर्कुलर निकाला है। और इसमें क्या क्या लिखा है और क्यों लिखा है और क्यों निकालना पड़ा दिल्ली सरकार को ये सर्कुलर, तो मैं दोस्तों बता दूं, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी द्वारा कड़ा विरोध जताया गया इस 2 घंटे की क्लास को लेकर। तथा मैंने भी इसके ऊपर काफी वीडियो बना बनाकर आवाज उठाई थी, और भी दिल्ली की यूनियन है जिन्होंने इसके ऊपर कड़ा विरोध जताया था कि इस क्लास को खत्म कर दिया जाए। इससे किसी भी ड्राइवर को कोई फायदा नहीं है, ड्राइवरों का समय बहुत ज्यादा इसमें खराब होता है। कई बार दिल्ली परिवहन विभाग को शिकायतें दी गई, तब जाके दिल्ली सरकार की आंखें खुली है, दिल्ली परिवहन विभाग की आंखें खुली है कि हाँ ऐसा वाकई में होता है, ड्राइवर भाई परेशान रहते हैं। तो ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर में क्या लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सर्कुलर में लिखा हुआ है, इसमें सरकार ने लिखा है कि बुराड़ी में फिटनेस के समय जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की जो क्लास लगती है 2 घंटे की, उस क्लास को लेने के लिए जितने ड्राइवर जाते हैं उनमें से ज्यादा 25% ड्राइवर ही क्लास को ले पाते हैं, बाकी के ड्राइवर खाली हाथ वापस चले आते हैं। और जिनको सर्टिफिकेट मिल जाता है उनकी गाड़ियां तो पास हो जाती हैं, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उनकी गाड़ियां पास नहीं हो पाती हैं, उनका समय खराब होता है, फिर वो अगले दिन जाते हैं, उस दिन भी अगर नहीं नंबर आया फिर वो अगले दिन जाते हैं। तो इस प्रकार से ड्राइवर भाइयों का काफी ज्यादा समय खराब होता था। तो दिल्ली परिवहन विभाग ने इसका संज्ञान लिया और इस सर्कुलर में उन्होंने लिखा है कि इस क्लास को लगाने के लिए हम मानस फाउंडेशन को अधिकृत करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस क्लास को लगाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करें, जिससे कि सभी ड्राइवर भाई इस क्लास को ले सकें, अन्यथा हम इस क्लास को बंद कर सकते हैं। तो अब क्लास को लेकर यह सर्कुलर निकाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी का कहना यह है कि इस क्लास को ना तो ऑफलाइन लगना चाहिए ना ही ऑनलाइन लगना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी होती है, किसी प्रकार का ना तो सवारी को फायदा होता है और ना ही ड्राइवर को फायदा होता है, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको राहत मिल चुकी है, आपकी क्लास बहुत जल्द खत्म होने वाली है, बंद होने वाली है। हो सकता है कल आप बुराड़ी में जाएं अपनी गाड़ी फिटनेस कराने के लिए तो आपको क्लास देनी ही ना पड़े। तो दोस्तों, आगे की जो भी जानकारी होगी, क्या क्लास लगना बंद हुआ या फिर नहीं हुआ, सारी जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि आपको जरूरी सूचना समय पर मिलती रहे। तो बस इस वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।